तो गाइस आप लोगों को इस महाधमा के दार वीडियो में स्वागत है। तो गाइस इस वीडियो का महाधमा का पार्ट है कि भैया मेगा ऑक्शन शुरुआत हो चुका है और पहला ही दिन में बहुत बड़े बड़े यहाँ पर खबरें यहाँ पर देखने को मिले, खबरें नहीं भैया हलचल तगड़ी देखने को मिल रही है। और कौन से टीम यहाँ पर कौन कौन प्लेयर्स को बाय कर लिया है ऑलरेडी आप लोग नहीं जानते, तो इस वीडियो में जरूर अंत तक बन रहे। इस वीडियो में आप लोग को बोलने वाला हूँ टोटल 6 टीमों के यहाँ पर जो बाय प्लेयर्स कर लिए गए हैं वो मैं आप लोग को बताऊंगा भैया बिग बिग अपडेट्स। जैसे कि भैया लखनऊ में जो जो प्लेयर्स आया ना भैया मतलब क्या ही बोले, पहले लखनऊ में आते हैं, दूसरा आएंगे सीएसके, तीसरा केकेआर, चौथा डीसी, पांचवा एसआरआई, छठा आसवी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। तगड़ी हलचल भैया सभी टीमों को लेकर। तो गाइस इसी टीम्स के फैन मतलब इन्हीं टीम के फैंस को लेकर यहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ भैया मतलब यहाँ पर सीट बेल्ट लगा के बैठ जाए, वीडियो जरूर इम्पोर्टेंट होना, जो नहीं जानते कि बाइक कर लिए गए ऑलरेडी ये महाधमाकेदार यहाँ पर प्लेयर्स। तो गाइस इस वीडियो में जरूर आता था अपने वीडियो के नीचे लाइक बटन दिख रहा है, हिट द लाइक बटन। चैनल में नए हैं ऐसे ही क्रिकेट रिलेटेड अपडेट्स, आईपीएल के एनालिसिस, आईपीएल के अपडेट्स पाना चाहते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, यही पर आपको क्रिकेट रिलेटेड सब कुछ मिलते रहते। तो पहले फटाक से आ जाते हैं यहाँ पर, नया टीम, नया रंग, नया मंच, गुजरात टाइटंस में नहीं आएंगे अभी, गुजरात टाइटंस में बाद वाले वीडियो में बता दूंगा और बाद वाला वीडियो जल्दी से जल्दी आने वाला आप लोगों के सामने वो भी देख लेना और भैया चैनल में बने रहे, वीडियो में बने रहे। पहले आते हैं यहाँ पर लखनऊ जायंट्स भैया, ये मतलब सुपर जायंट्स, ये सच में सुपर जायंट्स निकले भैया मेगा ऑक्शन में। हमें क्या पता था ऐसे स्ट्रेटेजी की लेके उतरेंगे, मैं तो बोलूंगा भैया टोटल जो यहाँ पर 10 टीम है सबसे बड़ा स्ट्रेटेजी इनका ही रहेगा, इनका रहा है अभी तक का जो स्ट्रेटेजी ये सफर तय कर रहे हैं, ये बड़े बड़े प्लेयर्स को लिया है भैया क्या ही बोले। पहले आते हैं, पहले लिया है क्विंटन डिकॉक 6.75 करोड़ में इनको लिया है भैया, बहुत ही बढ़िया। ओपनिंग के ऑप्शन हो गए केएल राहुल के खेलेंगे भैया, ये दोनों तो भैया जब रंग में आ जाते हैं भैया स्टेडियम भर जाता है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने किया मनीष पांडे भैया क्या ही बोले, बड़े बड़े प्लेयर्स को लिया है, इनको लिया है 4.6 करोड़ में भैया, खाली बिल्डिंग 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 करके बढ़िया स्ट्रेटेजी के साथ उतरे थे भैया, मन बना लिए थे, बढ़िया बढ़िया प्लेयर्स खरीदे। 3 नंबर पे खरीदा है जैसन होल्डर, हम कहा सोच रहे थे भैया आरसीबी जाएंगे कि केकेआर या कुछ टीम में जाएंगे, यहाँ पर तो एलएसजी ने बाजी मार ली मतलब लखनऊ ने, यहाँ पर जैसन होल्डर को खरीदा है 8.75 करोड़ में, और एक यहाँ पर खरीदा है दीपक हुड्डा को, इनको भी बढ़िया प्राइस रेट में खरीदा है 5.75 करोड़ में यहाँ पर खरीदा है। इसके बाद कुणाल पांडे, हम कहा सोच रहे थे कि भैया यहाँ पर अहमदाबाद मतलब गुजरात टाइटन्स में जाने वाले हैं, पर यहाँ पर क्या ही तगड़ी हलचल चल रही है, हार्दिक पांडे अपने भैया को मतलब भाई को यहाँ पर नहीं रख पाए, चीन गए ऑलरेडी, लखनऊ ने बाजी मार ली मतलब सब टीमों के यहाँ पर बाजी मार लिया जा रहा है लखनऊ के द्वारा। इसके बाद इन्होंने लिया है भैया यहाँ पर मार्क वुड को 7.5 करोड़ भैया, बड़े बड़े प्लेयर्स। इसके बाद आते हैं यहाँ पर लिया है आबिश खान, अरे भाई यहाँ पर इनको 10 करोड़ में लिया है, इनको बहुत ही बढ़िया प्राइस रेट में लिया है, बड़ा प्राइस रेट इनका हुआ था जरूर, पर बहुत सारी तो टीमें हैं, ये ही टीम मतलब बड़ी बड़ी यहाँ पर प्लेयर यहाँ पर ले रहे हैं। और यहाँ पर लिया है अंकित सिंह, यहाँ पर अंकित सिंह राजपूत को यहाँ 50 लाख में लिया है। तो गाइस यहाँ पर लखनऊ का तो हो गया, इसके बाद टीमें जल्दी से जल्दी आते हैं भैया, बड़े बड़े तगड़े हलचल चल रहे हैं, पहले आते हैं इसके बाद मतलब टीम में आ जाते हैं जल्दी से जल्दी आप लोगों को पर रोज देते हैं। यहाँ पर सीएसके को लेके, सीएसके पहले लिया है रॉबिन उथप्पा 2 करोड़ में, दूसरे आते हैं ड्वेन ब्रावो 4.4 करोड़, तीसरे अंबाती रायडू 6.75 करोड़, दीपक चाहर 14 करोड़, और पांचवा प्लेयर के एम आसिमी हुआ करते थे 20 लाख, मतलब एक ही बार बिडिंग किया 20 लाख में मिल गया। उसके बाद आते हैं तुषार देशपांडे को, एक ही बार बिडिंग किया 20 लाख में मिल गया। तो गाइस एक ही बार बिडिंग किया 20 लाख में मिल गया। तो गाइस यहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ कि भैया सीएसके का अच्छा स्ट्रेटेजी था, मगर स्ट्रेटेजी तो अच्छा था पर्स थोड़ा कम था, इसलिए मैं बोलना चाहूंगा सीएसके की मतलब दौर में यहाँ पर उन्होंने स्ट्रेटेजी तो बढ़िया यहाँ पर निर्णय लेके उतरा था, पर यहाँ पर उतना बड़े प्लेयर्स यहाँ पर खरीद नहीं पाए। उसके बाद जल्दी से जल्दी टीम में आ जाते हैं, यहाँ पर जल्दी से जल्दी आरसीबी भैया क्या स्ट्रेटेजी लेके उतरे हैं, इनको कप्तान मिल गया ऑलरेडी, खुशी की खबर है इनको कप्तान मिल गया, कप्तान हो सकता है यहाँ पर, पहले ही बोल देता हूँ फाफ डू प्लेसिस को खरीदे गए हैं ऑलरेडी, चमक मतलब चौंकने की बिल्कुल बात नहीं है, जो लोग देख चुके हैं उन वो तो चौंक नहीं रहे हैं मुझे लगता है, और जो लोग नहीं देखे भैया उनको चौंकने की बिल्कुल बात नहीं है, ऑलरेडी खरीद लिया गया है, ये नहीं की टारगेट कर रहे हैं, खरीद ले गए हैं, यहाँ पर कप्तान होते हुए भी नजर आ सकते हैं, हाँ नजर आएंगे भी, और कोई ऑप्शन बचा नहीं है, जैसे मनीष पांडे भी बिक गए हैं बोलूंगा, किस टीम में भी क्या शेष अय्यर बिक गए हैं वो भी बोलूंगा बड़ा अपडेट। यहाँ पर फाफ डू प्लेसिस 7 करोड़, दूसरा प्लेयर हर्षल पटेल को ऑलरेडी बाय कर लिया 10.75 करोड़ उसमें, मैंने बोला था ना हो गया ऑलरेडी। तीसरा प्लेयर वानिंदो हसरंगा, मैंने ये भी बोला था 10.75 करोड़ भैया, वानिंदो हसरंगा जब बिक रहे थे ना इसके बीच में जो वो मतलब हमारे ऑक्शन करते हैं ना
वो जब मतलब उनका नाम भूल गया हूँ अभी, वो मतलब लंग्स के कुछ कारण के वजह से यहाँ पर ऑलरेडी जो है टेबल से गिर गए थे और थोड़ा चोट वोट लगा था उन्हें, कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ फेस करना पड़ा था उन्हें, इसलिए उनके बजाय यहाँ पर और कोई यहाँ पर मेगासन किए गए नजर आया था। तो भैया मैं जब देख रहा था तो यहाँ पर 2:20 या मतलब 2:20 बजे यहाँ पर हो रहा था ये तगड़ी मतलब कुछ हलचल, यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही थी। इसके बाद दिनेश कार्तिक को, दिनेश कार्तिक को धमाकेदार कार्तिक को 5.5 करोड़ में, उसके बाद जॉस हेजलवुड को यहाँ पर 7.75 करोड़ में, इसके बाद शाहबाज आहमेद 2.44 करोड़, अनुज रावत को लिया 3.4 करोड़, और यहाँ पर आकाश सिंह को लिया एक बार बिडिंग करके 20 लाख में। मतलब समझ ही गए होंगे भैया, तगड़ी आरसीबी की टीम, तगड़ी 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 टीम बनी है भैया। इसके बाद हम देखने को मिलेंगे कि भैया ये प्लेइंग 11 कैसे बनाते हैं, और भैया कल का मतलब आज का दिन भी है ये कैसा गुजरता है मेगा ऑक्शन के लिए भैया, तगड़ी हलचल है अभी से, मतलब क्या फीलिंग हो रही है आज के दिन कैसा हो जाने वाला है वो तो देखने देखने से ही बनता है भैया। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर हो सकता है आज का दिन भी यहाँ पर मेगा ऑक्शन के लिए सभी टीमों के लिए। तो गाइस इसके बाद जल्दी से जल्दी टीम में आ जाते हैं, यहाँ पर जल्दी से जल्दी डीसी में आ जाते हैं। पहले रखा है डेविड वार्नर को, सॉरी डेविड वार्नर बोल दिया, डेविड वार्नर को भैया, डीसी ने डेविड वार्नर को ले लिया, बाएं हाथी प्लेयर है शिखर धवन के बजाय यहाँ पर ले लिया, शिखर धवन के रिप्लेसमेंट होंगे। हमने कहा सोचा था यहाँ पर पीवी केस लेंगे या आरसीबी लेंगे या केकेआर, हमने सोचा था, पर यहाँ पर डीसी ने ले लिया, ठीक है। डीसी के बाद ऑलरेडी कैप्टन है, मतलब कैप्टनसी का ऑप्शन जरूरी नहीं है। डेविड वार्नर को 6.25 करोड़, दूसरा यहाँ पर मिचेल मार्श 6.5 करोड़ यहाँ पर लिया, यहाँ पर शार्दुल ठाकुर भैया मुझे लगता था ये इनको लेंगे 10.7 करोड़ में लिया, मुस्तफिजुर रहमान को 2 करोड़, मुस्तफिजुर दकटा रहमान को लिया। समझ सकते हैं आप लोग भैया कितना बड़ा यहाँ पर स्ट्रेटेजी लेके उतरे थे। कुलदीप यादव को 2 करोड़ में, अश्विन हेवर को यहाँ पर एक बार बेटिंग करके 20 लाख में, सरफराज खान को यहाँ पर भी एक बार बेटिंग करके 20 लाख में, और यहाँ पर केस भरत को मैंने बोला था, मैंने नहीं बोला था भैया, यहाँ पर मैंने केस भरत को रखा था यहाँ पर आरसीबी या केकेआर में, यहाँ पर ले लिया डीसी में भैया। कैसी शानदार स्ट्रेटेजी रही थी, इनको 2 करोड़ में लिया। इसके बाद जल्दी से जल्दी आता है एसआरएससी में, एसआरएससी ने लिया पहले यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर 8.75 करोड़, वाशिंगटन सुंदर मतलब बहुत देर बाद इनको लिया था। दूसरा प्लेयर निकोलस पुरन, मैं बोल दूं भैया यहाँ पर जो है ना एसआरएच और केकेआर के बीच तगड़ी लड़ाई चल रही थी एकदम अंत तक, इनको लेने के लिए तगड़ी लड़ाई चल रही थी, निकोलस पुरन को लेके यहाँ पर तगड़ी लड़ाई चल रही थी, केकेआर लास्ट में भैया बोल दिए कि हमारे पास कम पर्स बचा है तो हम कहाँ लेंगे, ठीक है चलिए इनको दे ही देते हैं। यहाँ पर निकोलस पुरन को लिया 10.75 करोड़ में, उसके बाद लिया टी नटराजन को यहाँ पर 4 करोड़ में, यहाँ पर मैंने जो बोला था इनको बैक करेंगे। भुवनेश्वर कुमार को भी ले लिया ऐसे 4.2 करोड़ में, प्रियम अग्रवाल को 20 लाख एक बार बिटिंग किया, राहुल त्रिपाठी को, हाँ भैया राहुल त्रिपाठी को 8.5 करोड़ में यहाँ पर लिया, अभिषेक शर्मा को 6.5 करोड़, शेष गोपाल को 75 लाख, जगदीश अनुसूचित को यहाँ पर 20 लाख में। इसके बाद टीम में आ जाते हैं केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स, इनके भैया बढ़िया बढ़िया अपडेट्स, बढ़िया बढ़िया हलचल यहाँ पर सॉल्व हो गए हैं, फैंस के लिए बढ़िया बहुत बढ़िया बात है। मैं भी केकेआर का फैन हूँ, देखे यहाँ पर जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी से जल्दी पहले लिया पैट कमेंट्स को 7.25 करोड़, उसके बाद आप सभी के लिए यहाँ पर बिग न्यूज है भैया, बहुत ही खुशी की खबर है। मैं जब आया था, मैं जब देखा तो भैया मुझे भी बहुत खुशी हुई थी, ये यहाँ पर है शेष अय्यर 12.25 करोड़ में लिया, इसके बाद लिया है नीतीश राणा को 8 करोड़ में, इनको बैक किया है, शिवम माबी को 7.25 करोड़, उसके बाद कमलेश नगर को 1.1 करोड़, उसके बाद शेल्डन जैक्सन 60 लाख। तो भैया मैंने जो बोला था वो तो करीबन ठीक ठाक हो गया, मोहर लगा दिया इनको। इसके बाद आता है एमआई में, एमआई ने 4 ही प्लेयर यहाँ पर खरीदा है, पहले ईशानदार किशन को, भैया यहाँ पर ईशानदार किशन मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर में से चौथे नंबर पे पोजीशन बना चुका है पैट्स कमिंस के बाद, यहाँ पर समझ ही सकते हैं। मैंने बोला था भैया मुंबई ने स्ट्रेटेजी सबसे बेस्ट है, यहाँ पर लिया ईशानदार किशन को 15.25 करोड़ में, उसके बाद दिवल ब्रिविस यहाँ पर 3 करोड़ में, वैसल धम्पी 30 लाख में, उसके बाद मुर्गन अश्विन 1.6 करोड़ में। इसके बाद जल्दी से जल्दी टीम में आ जाते पीवी केस को, देखिए यहाँ पर खत्म करने की सोच रहे हैं, यहाँ पर हम पीवी केस को देखे खत्म करें तो यहाँ पर भैया पहले लिया है शिखर धवन को 8.25 करोड़ में, तो दूसरा यहाँ पर ककिशोर रबाडो को 9.25 करोड़ में, जॉनी बेस्टो को 6.75 करोड़ में, यहाँ पर लिया राहुल चार को 5.25 करोड़ में, शाहरुख खान को 9 करोड़ में भैया 9 करोड़, हरप्रीत ब्रार को यहाँ पर लिया है यहाँ पर 3.8 करोड़ में, प्रवीस मान यहाँ पर सिंह को लिया है 60 लाख में, जितेश शर्मा को 20 लाख में, ईशान कोडेल को 25 लाख में बोल देता हूँ यहाँ पर भैया। ऑलरेडी इन्होंने भी बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी लेके उतरे थे, बड़ा पर्स था इसलिए बड़ा मंच दिखाई दिया। तो गाइस ऑलरेडी जिन जिन प्लेयर्स मतलब जिन जिन टीमों का यहाँ पर बताना चाहिए था मुझे वो बता दिया आप लोगों को, और बाद वाले वीडियो में जल्दी से जल्दी ला जाऊंगा,
ला चुका मतलब ला जाऊंगा आप लोगों को इस चैनल में देखने को मिल जाएगा। ऑलरेडी ला दूंगा आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी फटाक से कुछ ही देर बाद आ रहा है समझ लीजिए। तो गाइस आज के लिए ये वीडियो इतना ही तक था, मात्र अभी तक के लिए वीडियो को थोड़ा अच्छा लगा तो फटाक से लाइक जरूर कर दिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करते नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक को प्रेस कर लीजिए, यही पर आपको अपडेट्स मिलते रहते। तो गाइस आज के लिए इतना मिलता है आप लोगों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद नमस्कार जय भारत।